वेरी गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, मैं प्रीति शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे BLIS 108 यानी कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेब 1.0, 2.0 एंड 3.0 के बारे में। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में ये क्या है और इसके फीचर्स एंड इसके यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वेब 1.0, 2.0 एंड 3.0 होता क्या है। तो बेसिकली एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंट जनरेशन ऑफ इंटरनेट है या डिफरेंट वर्जन ऑफ इंटरनेट है या फिर हम कह सकते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंटरनेट है। और अगर हम बात करें वेब 1.0 की, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा। और इसे उस समय हम WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब या वेब 1.0 के नाम से जानते थे और ये एक तरह से फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटरनेट भी कहते हैं इसे। और इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं कि इसमें बेसिकली स्टैटिक वेब था और साथ ही साथ ये रीड ओनली वेब या फिर हम कहते हैं एक सिंपल वेब था। तो इसके बारे में डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें बाकी स्टैटिक वेब होता क्या है। स्टैटिक वेब का मतलब ये है कि इसमें आप मोस्ट बेसिक वेबसाइट्स ही विजिबल थी, आप उनका उनको मतलब सर्च के लिए देख सकते थे, अपनी क्वेरीज को सिंपली HTML फॉर्म में देख सकते थे और जानकारी प्राप्त कर सकते थे। और साथ ही साथ ये फिक्स्ड कंटेंट अवेलेबल था सभी के लिए। और रीड ओनली वेब का मतलब ये है कि वन वे कम्युनिकेशन था, यानी कि आप केवल देख सकते थे सर्च के द्वारा जो भी कंटेंट आपको अवेलेबल है या जो आप सर्च करना चाहते हैं। इसमें आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग का ऑप्शन नहीं था, इसीलिए हम कह सकते कि वेब सेंट्रिक था, पीपल सेंट्रिक नहीं था। और साथ ही साथ ये सिंपल वेब था, यानी कि जो भी एडवर्टाइजिंग अगर हम बात करें तो उस समय भी एडवर्टाइजमेंट होते थे, एडवर्टाइजिंग थी, तो उसमें जैसे कि आज हम देखते हैं कि कस्टमाइज प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और हम उसके बारे में रिव्यू या और ओपिनियंस देखने के बाद उसको परचेज करने का डिसीजन ले सकते हैं, बट उस समय ऐसा नहीं था। हम उनके केवल जो भी एडवर्टाइज करते थे उसको देख के हमें उन्हें परचेज कर सकते थे। साथ ही साथ वो वेब फॉर्म्स में भी अवेलेबल था। तो ये बेसिकली एक प्रकार से हम कह सकते हैं वेब सेंट्रिक था और इसमें बहुत सारे कमियां थी, जैसे कि हम अगर कोई मॉडिफिकेशन है या फिर हम कोई इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें हम शेयर नहीं कर सकते थे। और अगर सपोज़ हमें कोई प्रोडक्ट भी परचेज करना है या हमें कुछ और भी उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें फर्दर बार बार सर्च करनी पड़ती थी। तो ये हमारे फीचर्स के बारे में था कि फीचर्स क्या क्या रहे हैं हमारे वेब 1.0 या फिर हमारी जो फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटरनेट की थी। और इसके यूजेस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें बेसिकली सिंपल वेबसाइट्स थी जिसमें HTML लैंग्वेजेस का जनरली यूज़ होता था, खुद की कंटेंट अवेलेबल थे, ईमेल्स अवेलेबल थे और एडवर्टाइजिंग भी अवेलेबल था जिसमें कि हम प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते थे, आपके होम पेजेस पर्सनल पेजेस अवेलेबल थे और ऑफ टू एक ऑनलाइन डिजिटल फोटोग्राफी वेबसाइट्स भी अवेलेबल थी जिसके माध्यम से हम स्कैन कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे, शेयर कर सकते थे और साथ ही साथ जो भी हमारे डिजिटल पिक्चर थे उसे प्रिंट भी कर सकते थे। और साथ ही साथ डायरेक्टरीज भी अवेलेबल थी, वेब फॉर्म्स अवेलेबल थे और जो भी कंटेंट अवेलेबल था वो HTML यानी कि जो बेसिक लैंग्वेज थी उनमें अवेलेबल था। और चूंकि ये फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटरनेट थी तो इसमें जो बैंडविड्थ थी या हम कह सकते हैं जो स्पीड थी इंटरनेट की बहुत ही स्लो थी और काफ़ी समय लगता था एक अगर पेज को हम ओपन करना चाहें तो। और साथ ही साथ उस समय इंटरनेट बहुत कॉस्टली था क्योंकि उस समय हमारा एक तरह से कहते हैं फर्स्ट स्टेज थी और इसलिए एक तरह से ये बहुत कॉस्टली पड़ता था, जनरली सभी लोग इसे यूज़ नहीं कर सकते थे और एक्सेस सभी के पास ये अवेलेबल नहीं था। तो ये यूजेस ऑफ वेब 1.0 के बारे में था। अब हम बात कर लेते हैं कि जो वेब 2.0 है वो क्या है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से इसका एडवांस है, एडवांस वर्जन है वेब 1.0 का 2.0। और इसमें हम इट इज़ द रीड एंड राइट वेब थ्रू दिस वी कैन सर्च एडिट द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू टिम बर्नर्स-ली। इन्होंने कहा था कि इसमें हम जो भी टेक्स्ट था जैसे कि वेब 1.0 में हम पढ़ सकते थे, उसको जानकारी प्राप्त कर सकते थे, बट इसमें क्या था कि हम रीड भी कर सकते थे, राइट भी कर सकते थे और उसमें अगर कोई हमें मॉडिफिकेशन करना है या कोई हमें लगता है कि कोई पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन वहाँ प्रोवाइड कराई गई है वो गलत है तो उसमें हम एडिट भी कर सकते थे। तो ये एक तरह से एडवांस वर्जन था वेब 1.0 का।
साथ ही साथ द टर्म वेब 2.0 जो क्वाइन किया गया था टीम ओ रिले मीडिया द्वारा क्वाइन किया गया था 2004 में एंड इट इज़ द टू वीक कम्युनिकेशन थ्रू दिस वी कैन सर्च एडिट मॉडिफाई शेयर एंड ऑल्सो इंट्रैक्ट विद द इंफॉर्मेशन. यानी कि जैसा अभी मैंने बताया कि हम इंफॉर्मेशन को शेयर भी कर सकते थे, मॉडिफाई भी कर सकते थे, साथ ही साथ एडिट भी कर सकते थे. तो एक प्रकार से ये टू वीक कम्युनिकेशन था जैसा कि वेब 1.0 में कमी थी. और अब हम बात कर लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या थे. तो इसमें हम रीड एंड राइट वेब था और साथ ही साथ ये पीपल सेंट्रिक वेब भी हम कह सकते हैं. और ये टू वे कम्युनिकेशन था एंड ये पार्टिसिपेटिव वेब भी था क्योंकि इसमें हम पीपल का पार्टिसिपेशन या इन्वॉल्वमेंट भी होता था क्योंकि हम चीज़ों को देखते थे, समझते थे, साथ ही साथ उसे शेयर कर सकते थे या अपने ओपिनियन को भी इसमें हम दे सकते थे. साथ ही साथ इट इज़ द रीड एंड राइट वेब थ्रू दिस वी कैन सर्च एडिट शेयर एंड इंटरेक्ट विद द इंफॉर्मेशन. जैसे कि हम इसी मतलब हम कह सकते हैं कि जनरेशन में आपकी जितनी भी सोशल वेबसाइट्स थी, सोशल मीडिया वेबसाइट्स थी, वो आई थी सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक हो गया, आउटपुट हो गया आपका, माईस्पेस हो गया. तो ये सारी चीज़ें आई थी जिससे कि हम अपने जो भी मतलब कुछ हमारे जो हॉबीज़ हुआ करती थी जो हमारे, तो उसको भी हम शेयर कर सकते थे सोशल मीडिया साइट्स द्वारा. और उसमें हम शेयर कर सकते थे, साथ ही साथ लोगों को अपने ओपिनियन या अपने कमेंट के माध्यम से दे सकते थे. और इसी जनरेशन में ही ब्लॉगिंग या फिर माइक्रो ब्लॉगिंग का भी उद्भव हुआ था और जिसके माध्यम से हम अपनी जो इंटरेस्ट हॉबीज़ या जो भी हमें जानकारी है उसे अपने ब्लॉग्स के द्वारा, माइक्रो ब्लॉग्स के द्वारा लोगों तक पहुँचा सकते थे. तो ये बहुत ही एक तरह से हम कहते हैं कि एडवांस स्टेज थी या जनरेशन थी जिसमें कि यूट्यूब का भी उद्भव हुआ जिसमें कि हम बहुत सारी जानकारी अगर हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में समझ नहीं आती तो हम यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम उसे आसानी से समझ सकते हैं. तो ये सारे फीचर्स हैं आपके वेब 1.0 के, तो जो कि बहुत ही एक तरह से हम कहते हैं वेब 1.0 का 2.0 बहुत ही एडवांस वर्जन रहा है. अब हम बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ वेब 2.0 के. तो ये डायनेमिक विकीज था जैसे कि हमारे पास वेब 1.0 में जो हमारा विकी था वो, यानी कि विकी की बात हो रही है अभी, विकीपीडिया की बात हो रही है, ठीक है. तो विकीपीडिया हमारा जो स्टैटिक था, यहाँ पे डायनेमिक है क्योंकि हम इसमें चेंज भी कर सकते थे. और जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कोई विकीपीडिया का कोई कंटेंट और वो हमें लग रहा है कि थोड़ा कहीं रॉन्ग है, तो अगर हम उसे चेंज करना चाहें तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम वर्ड फॉर्मेट में उसे जाके चेंज कर सकते हैं और उसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा लैंग्वेज सीखने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है. और ये यूजेस की बात करें तो ब्लॉगिंग एंड माइक्रो ब्लॉगिंग के द्वारा अपनी जो इन्फॉर्मेशन है या जो हमारा इंटरेस्ट है या जो भी स्किल्स हैं, अगर हम स्किल्स की बात करें तो हम उसको भी लोगों तक पहुँचा के उन्हें भी स्किल कर सकते हैं बिना कोई भी मतलब पैसे खर्च किए, ठीक है. और अगर बात करें हम माइक्रो ब्लॉगिंग या ब्लॉगिंग का, तो जो टर्म है जॉनथन जिलेट ने दिया था. एजुकेशनल ब्लॉग्स के द्वारा भी हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है. इस प्रकार से अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स का भी हम यूज़ करके लोगों को एजुकेट कर सकते हैं या लोगों को अवेयर कर सकते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव में. एंड साथ ही साथ RSS फीड भी अवेलेबल हुआ हमारे यूजर्स, हमारा वेब 2.0 के जनरेशन में. एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये आपका फीडबैक एक तरह से होता है और इसमें रियली सिंपल सिंडिकेशन का फुल फॉर्म है. जैसे कि हम कभी भी यूट्यूब या कुछ ऐसा देखते हैं जिसमें कि एक सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन होता है और अगर हम उसे सब्सक्राइब कर लेते हैं उस चैनल को या उस पर्टिकुलर वीडियो को, तो उसमें क्या होता है जो भी अगर कोई कंटेंट मतलब टाइम टाइम अपलोड होता है या अपडेट होता है तो हमें ऑटोमेटिक हमारे पास उसका नोटिफिकेशन आ जाता है. तो ये एक तरह से बहुत अच्छा मतलब एक यूज़ है. और फोरम्स भी अवेलेबल है हमारे 2.0 में जिसमें कि हम वोटिंग के माध्यम से भी अपने डिसीजन को या अपने ओपिनियन को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या किसी पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में हम अपनी राय को रख सकते हैं. जैसे कि ट्विटर्स पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे कौन सा लीडर अच्छा है या कौन सा एक्टर अच्छा है, तो जिसके माध्यम से हम डिफरेंट मतलब एक तरह से डिसीजन लेते हैं कि, तो रिपोर्ट्स बनती हैं तो उसमें भी हम वोट कर सकते हैं, अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं. साथ ही साथ हमारे ट्विटर, फेसबुक की सारी वेबसाइट्स पे आई. साथ ही साथ इंटरेक्टिव एडवर्टाइजिंग, जैसे कि हमारी उसमें एडवर्टाइजिंग थी, इसमें इंटरेक्टिव एडवर्टाइजिंग जिसमें कि हम बहुत इंटरेक्टिव तरीक़ों से, यानी कि हम डिफरेंट पिक्चर्स या फिर डिफरेंट वीडियोज़ के माध्यम से पीपल को
जो हमारे परचेजर हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, उनको ट्रैक कर सकते थे अपने एडवर्टाइजिंग के माध्यम से। साथ ही साथ हम टैगिंग भी कर सकते हैं अपने वेब 2.0 जनरेशन में, और इसकी जो बैंडविड्थ यानी कि जो स्पीड है वो काफ़ी वेब 1.0 से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और साथ ही साथ ये चूंकि 2004 में आया था तो इस समय काफ़ी टाइम हो चुका था इंटरनेट को आए हुए, तो ये हमारा जो इंटरनेट था वो काफ़ी चीप था, ये बहुत सस्ते प्राइस में अवेलेबल था और जनरली मोस्टली काफ़ी लोग इसे यूज़ कर सकते थे और सभी की पहुँच में था। तो ये यूजेस ऑफ वेब 2.0 के मैंने डिस्कस किए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वेब 3.0 के बारे में। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एडवांस वर्जन ऑफ 2.0 है और इसमें हम कह सकते हैं बहुत सारे नए फीचर्स ऐड हुए जो कि आज की जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वेब 3.0 है क्या। तो द टर्म वॉज कॉइन्ड बाई जॉन मार्क ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम, यानी कि न्यूयॉर्क टाइम के जॉन मार्क ऑफ ने ये टर्म दिया था। और इट इज़ अ टाइप ऑफ थर्ड जनरेशन वेब एंड वॉज स्टार्टेड बाई 2006, यानी कि ये 2006 दो साल बाद ही ये वेब 2.0 के ये आई। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीमेंटिक वेब एंड द थॉट ऑफ सीमेंटिक वेब वॉज गिवन बाई सर टिम बर्नर्स-ली। तो बेसिकली सीमेंटिक वेब होता क्या है, एक प्रकार से हम कहते हैं कि ये एक तरह से मतलब एक टैग्स होते हैं, एक तरह से अगर हमें मान ली कोई सर्च करनी होती है तो हम सिंटैक्स भी कह सकते हैं, सिंटैक्स होते हैं जिसमें कि हम गूगल को कोई सर्च कर रहे हैं तो उन्हें उस गूगल को सिंपल तरीके से अपनी बात को समझा सकते हैं जिससे कि वो आसानी से उस पर्टिकुलर सर्च को जो हमें चाहिए वो आसानी से हमें प्रोवाइड कराए। इसके माध्यम से सिमेंटिक वेब के माध्यम से जो हमारे डेटा है या जो हम सर्च करते हैं तो जो उसके रिजल्ट आते हैं वो मिलियन से हमारे थाउजेंड में कन्वर्ट हो सकते हैं। इट मीन्स कि वो गूगल हमारे को जो चाहिए हमें इंफॉर्मेशन वो समझ के, क्योंकि हम कीवर्ड्स या जो हम सिंटैक्स यूज़ करते हैं उसके माध्यम से वो आसानी से हमारी जो भी हमारा इंटरेस्ट या जो हमें चाहिए क्वेरीज को वो हमें पर्टिकुलर उसी कंटेंट को प्रोवाइड करा सकता है जिससे कि हम मिलियंस ऑफ रिजल्ट से सर्च करने से बच सकते हैं। और जो सिंपल सर्च है उससे कहीं ये बहुत ही एडवांस सर्च है और जिससे कि एल्गोरिथम के थ्रू भी हम सर्च कर सकते हैं और बहुत सारे तरीके होते हैं सिमेंटिक वेब को वेब के माध्यम से सर्च करने के, तो वो हम आगे एक अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो इट्स रीडेबल, राइटेबल एंड एग्जीक्यूटेबल वेब, यानी कि इसे हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। इट इज़ द सीमेंटिक वेब, जैसे कि मैंने सीमेंटिक वेब के बारे में भी डिस्कस किया थोड़ा ब्रीफ में, तो वो एक प्रकार का सीमेंटिक वेब है जिसमें आसानी से एल्गोरिथम या सिंटैक्स के द्वारा यूज़ करके जो हमारी सर्च है उसको ईजी बना सकते हैं। इट हैज़ द ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें कि इसमें बहुत सारे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिसमें कि हम बहुत सारी चीज़ों को, सॉफ्टवेयर्स को, लैंग्वेजेस को मतलब फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, फ्रीली सीख सकते हैं, जिससे कि मतलब जो लोग परचेज नहीं कर सकते तो वो आसानी से उस चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं। एल्गोरिथम बेस्ड सर्च टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने अभी सीमेंटिक में बताया तो इसमें भी एल्गोरिथम से हमारा बुलियन ऑपरेटर्स हैं एंड और नॉट, तो इस सारे में बुलियन ऑपरेटर्स हैं तो इनके द्वारा भी हम अपनी जो सर्चिंग टेक्निक्स को है एडवांस बना सकते हैं और आसानी से अप्रोप्रिएट सर्च को, मिलियंस ऑफ सर्च जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं उनसे बचकर मतलब थाउजेंड या फिर हंड्रेड या फिर कुछ मतलब पर्टिकुलर 10 और 12 में भी तरह से हम उनको देख सकते हैं और उनमें बेस्ट अपने जो भी हमारा कंटेंट चाहिए उसको देख सकते हैं। इट हैज़ द क्लाउड बेस्ड स्टोरेज फैसिलिटी, साथ ही साथ इसमें भी क्लाउड बेस्ड स्टोरेज एक प्रकार से बहुत एडवांस फीचर्स ऐड हुआ जिसमें कि ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव्स अवेलेबल है जिससे कि हमारा जो सिस्टम होता है या जो हमारा कंप्यूटर होता है उस पर बहुत सारा डेटा स्टोर अननेसेसरी हो जाता है जिससे कि हमारी जो स्पीड होती है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। तो इस ये जो हमारी 3.0 है तो उसमें हमें एक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई जिसमें कि ड्रॉपबॉक्स हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, तो ये क्लाउड हो गया, तो हमारा जिसमें कि हम उसको पे मतलब उस ड्रॉपबॉक्स या गूगल ड्राइव में उसे सेव कर सकते हैं और कहीं भी किसी भी सिस्टम से उसे एक्सेस कर सकते हैं जिससे कि जो हमारे सिस्टम की स्पीड है वो मतलब कहीं ना कहीं वो प्रभावित नहीं होती है। और हम अपने डेटा को हमें सिस्टम में स्टोर करने से क्या होता है कि हम बार बार उसी सिस्टम को कैरी करना पड़ता है, अगर हमारा गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स में सेव है तो हम कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम से कहीं भी रहते हुए उसे एक्सेस कर सकते हैं।
साथ ही साथ इसी मतलब जनरेशन में आपका गूगल मैप, वर्चुअल ग्लोब, सर्च बाय इमेजेस, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि आज की डेट में हमें कोई प्रोडक्ट देखना है या कुछ भी, कोई भी हमारा सामान है या डे बाई डे कोई चलते फिरते भी अगर हम कुछ चीज़ देखना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो सिंपल हम उसे क्लिक करेंगे फोटो और रिवर्स इमेज या मतलब उसके माध्यम से हम उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें टाइप करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। और बात करें अगर वर्चुअल ग्लोब या गूगल मैप, तो गूगल मैप तो आज के डेट में हर कोई यूज़ कर रहा है, मोस्टली सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हम किसी भी मतलब जगह के बारे में आसानी से उसकी डिस्टेंस क्या है, कहाँ से कहाँ तक क्या क्या कन्वीनियंस अवेलेबल है वहाँ पर, साथ ही साथ कौन सा रूट मतलब कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है या फिर कौन सा लॉन्गेस्ट रूट है या कहाँ पर मतलब ट्रैफिक है, इन सब के बारे में जानकारी हम सिंगल क्लिक से प्राप्त कर सकते हैं और कुछ चंद सेकेंडों में कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे मतलब जो हमारा टाइम होता है कि हम किसी से पूछते हैं या कहीं और सर्च करते हैं, तो हमारा उससे टाइम बहुत बचता है। और अगर बात करें एआई की, तो एआई भी इसी जनरेशन में आया और रोबोटिक्स के द्वारा हम जो भी मेडिकल साइंस में जो आपके ऑपरेशन हो रहे हैं, तो उसमें भी हम रोबोटिक्स का यूज़ कर रहे हैं। और एआई की बात करें तो एआई तो हमारे एक तरह से हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मतलब फीचर है हमारा, जिसमें कि हम आज की बात करें कि जितने भी हम कभी कोई चीज़ सर्च करते, मान लें किसी कंप्यूटर के बारे में सर्च करना है कि हाँ मुझे लैपटॉप एक पर्टिकुलर चाहिए, तो उस पर्टिकुलर लैपटॉप के बारे में जितने भी आपके मतलब एडवांस फीचर्स हैं, कोई भी नए अगर नया लॉन्च हुआ है आपका कंप्यूटर या लैपटॉप, तो उसके बारे में भी वो हमें बताता रहेगा, यानी कि वो हमारे टेस्ट को पहचान जाता है एआई कि हमें क्या चाहिए, और उसके रिगार्डिंग ही हमें मतलब नए इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहते हैं हमारे इंटरनेट पे, हमारे मोबाइल पे या हमारे डिवाइसेस पे। साथ ही साथ गूगल असिस्टेंट, तो गूगल असिस्टेंट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से, क्योंकि आज हम देख रहे हैं एलेक्सा, सीरी, तो सब हम लोग गूगल असिस्टेंट की तरह मतलब एक तरह से असिस्टेंट की तरह यूज़ करते हैं। आजकल हमें कोई भी पैनिक मतलब कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पर्सनल सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट की रखने की आवश्यकता नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी हमारे लिए इतने मतलब एडवांस फीचर हमें प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसकी मदद से हम कुछ पैसे खर्च करके ही उन्हें मतलब जो हमारे असिस्टेंट को हायर कर सकते हैं, खरीद के ला सकते हैं, जैसे अलेक्सा और सीरी, जिससे कि हम अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। और अगर बात करें रोबोटिक्स के द्वारा भी सारे काम कराए जा रहे हैं, और जैसे कि अगर हमें गूगल असिस्टेंट की बात करें या कैलेंडर, गूगल कैलेंडर भी होता है, जिसमें कि अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन हम अपडेट करते हैं कि हमें पर्टिकुलर डे में बर्थडे है या पर्टिकुलर डे में किसी की कोई सेमिनार या कॉन्फ्रेंस है, तो वो हमें हमें मतलब नोटिफिकेशन के द्वारा बताता है कि आपका अलर्ट लगाते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर डेट में ये आपका प्रोग्राम है, ये आपका इवेंट है, तो हमें किसी पर्टिकुलर पर्सनल असिस्टेंट को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सारे हमारे एक तरह से हम कह सकते हैं कि वेब 3.0 के एडवांस फीचर हैं, जिसमें कि हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और बहुत सारे एक तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये फीचर्स के बारे में था वेब 3.0 के। अब हम इसके यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सिमेंटिक वेब है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, साथ ही साथ माइक्रो नेटवर्किंग है, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको बताई मैंने, RDF रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क है, OWL यानी कि वेब ओंटोलॉजी है एक प्रकार की, हम इसमें टर्मोलॉजी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हम सर्च करते हैं, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एरिया के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है वो, ठीक है। साथ ही साथ फोक्सनॉमी है, और फोक्सनॉमी बेसिकली क्या होता है, कीवर्ड टर्म होता है, एक तरह से कीवर्ड टाइप का होता है, और इस टर्म को जो क्वाइन किया था वो आपके थॉम्स वंडरवॉल थे। तो भी क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया था कि फोक्सनॉमी को किसने डिवाइस किया था। और साथ ही साथ ये बिहेवियर एडवर्टाइजिंग, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बिहेवियर एडवर्टाइजिंग को प्रमोट करता है, आपके बिहेवियर को जानकर, और वो एडवर्टाइज आपके अकॉर्डिंग आपकी जो भी मतलब रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको एडवर्टाइज आपके सिस्टम पे या डिवाइस पे वो अपडेट करता रहता है। साथ ही साथ ये पोर्टेबल एंड पर्सनल भी है, साथ ही साथ ये 3D प्रिंटिंग एंड विजुअलाइजेशन फीचर्स भी इसमें ऐड है। क्लाउड स्टोरेज, जैसे कि मैंने बताया आपको कि गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, आपके क्लाउड जो है वो भी इस पर आपके स्टोरेज है, तो ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, जो कि बहुत ही एडवांस
फीचर्स हैं बहुत अच्छी तरह से अगर हम यूज़ करें तो हमें लगता है कि हमें किसी भी असिस्टेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर हमारे पास इंटरनेट है और हमारे पास एक सिस्टम है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं फ्रीली फ्रीली प्लेटफॉर्म से या फ्री ओपन जो एक्सेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करके अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा अपडेट कर सकते हैं। आज की डेट में हमें ये नहीं कभी भी किसी भी मतलब फाइनेंशियल वीक पर्सन के लिए मैं कहूँगी बहुत ही हेल्प हो जाती है, जो कि बच्चे नहीं किताब पढ़ पाते तो बहुत सारे ई बुक्स पोर्टल्स भी फ्रीली अवेलेबल हैं, बहुत सारे मतलब माध्यम है जिससे कि जो विजुअली हैंडीकैप्ड है उनको भी आप एडवांस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बता सकते हैं, जानकारी प्राप्त करा सकते हैं और साथ ही साथ उस कंटेंट को अच्छे से समझा सकते हैं। तो बेसिकली ये सारे फीचर्स हैं जो कि वेब 3.0 के फीचर्स हैं और यूजर्स भी मैंने बताया, तो आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। तो आज हमने डिस्कस किया वेब 1.0, 2.0 और 3.0 के बारे में, और यहाँ पे सब इम्पॉर्टेंट नेटवर्किंग साइट्स भी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं अक्सर एग्जामिनेशन में कि कब किस वेब मतलब पर्टिकुलर नेटवर्किंग साइट का उद्भव हुआ। तो ये आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब का जो उद्भव हुआ था वो 1990 में हुआ था और किसको डेवलप करने वाले टिम बर्नर्स-ली थे, और साथ ही साथ याहू को 1994 में आया था और इसको जेरी योंग द्वारा लाया गया था। गूगल 1998 में आया था लैरी पेज द्वारा एंड सर्जिल बैन द्वारा। इसी प्रकार से विकिपीडिया 2001 में आया था, लिंक्डइन 2002 में आया था। तो ये बेसिकली व्हाट्सएप आपका जेन कॉन एंड ब्रेन एक्शन द्वारा लाया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलप्ड नेटवर्किंग साइट हैं, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, खासकर यूजीसी एंड पेपर 1 या 2 में भी क्वेश्चंस आते ही हैं। तो ये पेपर 1 यूजीसी और पेपर 2 के माध्यम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम सेमेंटिक वेब और ओंटोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली MLIS के टॉपिक हैं तो इसे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अब हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।